हाय, दिस इज विकास और आप देख रहे हैं स्पोर्ट इंग्लिश। दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पोर्ट इंग्लिश में मैं विकास कुमार सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास एक कॉमन इंटर क्लास है, जैसा कि मैं प्रत्येक दिन लगभग प्रत्येक दिन 9 o'clock मॉर्निंग में क्लास अपलोड करता हूं कॉमन इंटर का, कॉमन इंटर का उसी का नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों ध्यान से देखना, क्लास को स्किप मत करना, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। यहाँ दोस्तों चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ ले चलता हूँ। तो चलिए आप देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आज का क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। चलिए दोस्तों एक चीज देखिए, ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने लिखा सब्जेक्ट और ये लिखा मैंने पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में एक रिलेशन होता है। पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव का निर्धारण जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर होता है। जैसे कि आई, आई का पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होता है माई, ओके, वी, आवर, यू, योर, ही, his, she, her, it, its, they, their, one, ones। आपको अच्छे से पता है कि इतने पॉजिटिव एडजेक्टिव फिक्स होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो जाए तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हो जाता है, सब्जेक्ट बी हो जाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर हो जाता है, यू है तो यू, ही है तो ही, सी है तो हर, इट है तो इट्स, दे है तो देयर, वन है तो वंस। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो हम इसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। जैसे मान लो कि हमारे पास आ जाए एवरीवन, क्या आ जाए एवरीवन, तो हमको देखना होता है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कोई सिंगुलर पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होगा, सिंगुलर पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के रूप में हिज हर इट्स में से कोई आएगा तो नॉर्मली हम हिज का प्रयोग करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इसके साथ हिज ऑब्लिक और हर लगा सकते हैं, ऑब्लिक के साथ लगा सकते हैं। राम आ जाए, अगर इसके पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आपको हिज लगाना पड़ता है, सीता आ जाए तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको हर लगाना पड़ता है, कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको देयर का यूज करना पड़ता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आ जाए और आगे चलकर पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ये मैच करा के देख लेना कि ऐसा मैचिंग है कि नहीं। अगर ऐसा मैचिंग है तो इट्स ओके, ऐसा मैचिंग नहीं तो सेंटेंस में एरर है, और कॉमन एरर बना रहे हैं तो एरर को तो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जरा एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, शायद आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहां पर है, फिर भी मैं आपको एरर डिटेक्ट करके दिखाता हूं कि एरर है कहां। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात की यहां पर ध्यान से देखो, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वन, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स। अब वन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है, हिज बता रहा है। अब ध्यान से देखो, वन है सेंटेंस का सब्जेक्ट और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है, हिज बता रहा है, क्वेश्चन में आप देख रहे हो। तो क्या आपको लगता है ऐसा संभव है, जब कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट हो जाए तो उसका पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव किसी भी कीमत पर हिज होगा क्या? सवाल ही नहीं उठता, देयर इज नो क्वेश्चन। तो क्या होगा, वंस हो जाएगा, यानी कि आपको एरर मिल गया। जी हाँ, तो दोस्तों आपका एरर है हिज, मतलब हिज जो है वो गलत है, हिज को आपको वन से रिप्लेस करना पड़ेगा, वंस। जैसे आप हिज को वन से रिप्लेस करोगे आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। अब सवाल उठा कि आंसर क्या होगा, तो एरर चूंकि बी पार्ट में है इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप समझ गए मेरे ख्याल से। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इसे मिटाता हूं, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, बार बार देखना, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी आप एरर को डिटेक्ट करोगे तो ऐसे रूल्स आपको काफी मदद करेंगे। अब मैं सेकंड रूल पे चलता हूं, लेकिन सेकंड रूल पे चलने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, पहले भी मैंने चर्चा की, एक बार फिर मैं चर्चा करता हूं। देखो ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, और ये लिखा मैंने ऑब्जेक्टिव केस। आप मुझे जैसा पता है भली भांति सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस से परिचित हो। जैसे आई है तो इसका हो जाता है मी, अगर ही है तो इसका हो जाता है हिम, अगर सी है तो इसका हो जाता है हर। हाँ, कुछ ऐसे टर्म है जिनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव इक्वल होते हैं, उनकी बात अलग है। तो ये सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर इनका यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इनका यूज करेंगे। डैश लाइक हिम ऑप्शन में आपके पास यहां पर आ जाए, मान लीजिए आई और मी, तो आप बताओ क्या लगाओगे यहां पर, आप आई का यूज करोगे, चूंकि यहां पर ये सब्जेक्ट का प्लेस है, सब्जेक्ट का प्लेस है तो केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। कोई सेंटेंस आ जाए डैश लाइक्स हर, फिर आपके पास ऑप्शन आ गया सी और हर, अब बताओ कि आप यहां पर क्या लिखोगे, तो आप सी लिखोगे, सी इसलिए लिखोगे ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर जो केस आता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो रूल के आधार पर आपको यहां पर सी लिखना पड़ेगा। आप इस प्रकार से लिख दोगे, नो प्रॉब्लम। दोस्तों ये तो बड़े आसान है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट की भी बात करें, जैसे सेंटेंस है आई लाइक ऑप्शन में आ गया, फिर आपके पास सी और हर, अब बताओ क्या लिखोगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये प्लेस किसका है, ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रोनाउन आएगा, तो हर का यूज करोगे।
आप बड़ी आसानी से ऐसे सेंटेंस को बना देते हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपका सामना आई बी सी यू से हो जाए तो बड़ी आसानी से बना देते हो, लेकिन कभी कभी दूसरे टर्म भी तो आपके सामने आएंगे जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, ओके, और एक बार फिर देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव केस। अब एक्चुअली होता क्या है, एक शब्द होता हु और एक शब्द होता हुम, ये है सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब सवाल उठेगा कि कहां पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और कहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो सेंटेंस से पता चलेगा आपको। जैसे सेंटेंस में लिख के दिखाता हूं, आई लाइक द बॉय या बॉय कुछ भी लिख सकते हैं आप, डैश इज ब्रेव, और ऑप्शन में आपके पास है हु और हुम। अब सवाल उठता है कि आपको हु लगाना है या फिर हुम लगाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। आप क्या करो कि सेंटेंस को देखो जरा सा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस का पार्ट आपको कंप्लीट लगता है। तो मैंने क्या देखा कि आई लाइक द बॉय हो गया। अब दूसरे पार्ट को देखो, इज ब्रेव, और यहां पर आपको यूज करना है। अब सवाल उठता है कि यहां पर जो आपको यूज करना है वो क्या यूज करें, ये तो देख रहे हो कि वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के टाइप का ही होता है। तो अब यहां पर आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए कि ऑब्जेक्ट चाहिए? जी हाँ, ये सब्जेक्ट का प्लेस है, यानी कि यहां पर जब भी कुछ लिखना पड़ेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, आपको जैसा कि पता है कि हु और हुम है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है, हु, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक द बॉय हु इज ब्रेव। कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए, आई लाइक द बॉय डैश पीपल लाइक, वैसा लड़का जिन्हें लोग पसंद करते हैं, मैं पसंद करता हूं। अब यहां पर भी आपके पास ऑप्शन में दोस्तों है हु और हुम। अब सवाल उठता है कि आप यहां पर हु का यूज करोगे, हुम का यूज करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हुम से क्वेश्चन आपके पास आता ही है। तो सबसे पहले आप देखो दो टर्म में तोड़ो, आई लाइक द बॉय को देखो तोड़ करके, और फिर मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं पीपल लाइक। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पर आई लाइक द बॉय में आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, द बॉय ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी सेंटेंस का यह पार्ट पूरा है। पीपल लाइक में पीपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक सेंटेंस का वर्ब है, ये सेंटेंस का पार्ट भी पूरा है। तो अब ये पार्ट पूरा और ये पार्ट पूरा है, तो क्या चाहिए आप बताओ, आप क्या चाहिए? तो अब आपको चाहिए हु और हुम में से किसका यूज करेंगे, ये सवाल उठेगा। तो हु और हुम में से आपको यूज करना पड़ेगा किसका, हुम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, पीपल लाइक में लाइक वर्ब है और पीपल सब्जेक्ट है, अब आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में आपको हुम डालना पड़ेगा। तो सेंटेंस जब आए, सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट तोड़ो, पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके देखो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पूरा है। अगर पूरा है तो आप ऑब्जेक्ट डालो, पूरा नहीं तो आप सब्जेक्ट डालने की कोशिश करो। तो दोस्तों जैसा कि मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूं, क्वेश्चन आपके सामने पहले से स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप क्वेश्चन को देखो और पढ़ने की कोशिश करो, मैं लिख करके उसको बनाने की कोशिश करता हूं, और आप जरा ध्यान से देखो और इसको समझो। क्वेश्चन आपके पास है, मे आई, सॉरी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऊपर फिर से मैं एक बार लिख रहा हूं, मे आई नो, डैश दे देता हूं मैं यहां पर, यू वांट, यहां पर मैंने लिखा यू वांट टू सी प्लीज, ओके, ऐसा सेंटेंस आपके सामने है। अब सवाल उठता है कि यहां पर आपके पास ऑप्शन में है हु है और हुम है। अब सवाल उठता है हु यूज करेंगे कि हुम यूज करेंगे, बड़ी आसानी से हु और हुम में सब सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको यह पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का यूज कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा है। सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में ले लो, एक मैंने लिया नो, मे आई नो, क्या आपको लगता है मे आई नो कंप्लीट है एक सेंटेंस? यहां कंप्लीट है। दूसरा पार्ट ले लो यू वॉन्ट टू सी प्लीज, आप ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब इस सेंटेंस की बात आप करते हो मे आई नो या फिर यू वॉन्ट टू सी प्लीज, तो ध्यान से देखो इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी वर्ब है। अब सवाल उठता है कि सेंटेंस के जब पार्ट की हम बात करते हैं, सेंटेंस के दोनों पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी उपलब्ध है, तो जब सब्जेक्ट और वर्ब उपलब्ध है तो अब तो फिर हमको सब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, हुम को लिखना पड़ेगा, यानी हुम विल बी आंसर। अब सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं, जरा ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज, तो हु जो है वो गलत है, हूं का यूज वहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए ऑब्जेक्ट और वहां पर लिखा गया सब्जेक्ट, सो हमें उस हूं को रिप्लेस करना पड़ेगा हूं से। जैसे ही हूं को हूं से रिप्लेस करोगे कि आपका सेंटेंस हो जाएगा सही, तो एरर मिल गया। अब सवाल उठेगा कि आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका बी है, क्योंकि एरर जो है किस पार्ट में है बताइए, बी पार्ट में है। तो बड़ी आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा सेंस यूज करना है, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है, आप ट्रिक अप्लाई करो, सेंस अप्लाई करो, और बड़ी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस में एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि सेंटेंस में एरर कहां है। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं कुछ चर्चा करूंगा, कुछ मैं बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, आप भली भांति सबसे परिचित होंगे अगर आप पढ़ाई करते हो तो, ये लिखा मैंने पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव और ये लिखा मैंने, बताओ आप, पॉजिटिव
प्रोनाउन. ओके, अब जैसे देखो होता क्या है, माई माइन, ओके, आवर आवर्स, योर योर्स, हिम सॉरी हिज हिज, दोनों सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हर हर्स, देयर और देयर्स. एक्चुअली ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं और ये जो है सो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं. दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन्स. अब पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में कंडीशन है, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आपके हैं इनकी खासियत है कि कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज अगर आप सेंटेंस में करोगे तो बिना नाउन का नहीं यूज होगा. मतलब इनका यूज जब भी सेंटेंस में होगा तो इनके बगल में एक नाउन आएगा, लेकिन इनका प्रयोग जब भी करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन का तो ये बिना नाउन के यूज होते हैं. इनके पास साथ बगल में नाउन नहीं होता है. दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड विदाउट नाउन्स. मतलब इन शब्दों का प्रयोग बिना नाउन का नहीं होता है. और दीज वर्ड्स आर यूज्ड विदाउट नाउन्स. और इन शब्दों का प्रयोग जब भी होता है तो बिना नाउन का होता है और इनके साथ नाउन नहीं चाहिए. कुछ सेंटेंस में लिखता हूं, कुछ सेंटेंस को मैं लिख के दिखाता हूं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज आप करोगे और कहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करोगे. इसको मैं तत्काल में मिटा रहा हूं. अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको देखते रहना. तो चलो कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करना और कहां पर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करना है. सबसे महत्वपूर्ण बात कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है. जैसे सेंटेंस देखो, दिस इज दैट पेन. आपके पास ऑप्शन में माई और माइन, इट्स ओके. अब आपको यहां पर माई लिखे कि माइन लिखे, ये सवाल उठेगा. मैंने बोला कि नाउन को मॉडिफाई करता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन. यहां पर पेन ऑलरेडी उपलब्ध है. जब पेन उपलब्ध है तो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए कि पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए, तो आपको चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि आपका सेंटेंस हो जाएगा दिस इज माई पेन. लेकिन एक सेंटेंस अगर इस प्रकार से है, दिस पेन इज डैश, और ऑप्शन में एक बार फिर आपके पास माई और माइन है, दोस्तों सवाल उठेगा कि आपको यहां पर माई का यूज करना है कि माइन का यूज करना है. तो सबसे पहले जहां पे आपको यूज करना है माई और माइन, उसके आगे वाले टर्म को देखो कि आगे कोई नाउन आ रहा है. जी हाँ, नहीं, आगे तो फुल स्टॉप है, कोई नाउन नहीं आ रहा है. और ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, और ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं. तो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन का होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ होता है. यहां पर नाउन नहीं है, यानी कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा, माइन का यूज करना पड़ेगा. एक सेंटेंस है, दैट कंट्री इज ग्रेट. ओके, हमारे पास आवर और आवर्स है. दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है. अब सवाल उठता है कि आगे नाउन आ गया, तो जब आगे नाउन आ गया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करोगे या पॉजिटिव प्रोनाउन का, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का, यानी कि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आवर कंट्री इज ग्रेट. कोई सेंटेंस अगर इस प्रकार आपके सामने आ जाए, दिस कंट्री इज डैश, आपके पास ऑप्शन में आवर और आवर्स है, अब बताओ कि आप क्या लिखोगे, आवर या आवर्स. मीनिंग तो सेम ही होता है, लेकिन कंट्री यहां पर पहले है. अब यहां पर हमको यूज करना है आवर या आवर्स. आगे वाले टर्म में देखो, आगे वाले फुल टर्म में आपको फुल स्टॉप मिल रहा है, यानी कोई नाउन नहीं आ रहा है. और नाउन नहीं अगर आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी कि आपको यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव प्रोनाउन. अदर सेंटेंस हो जाएगा दिस कंट्री इज आवर्स. तो ऐसे करके बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. ये तो थ्योरी की बात थी, अब मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं, जिस क्वेश्चन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए. क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूं, फिर पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व किया जा सकता है. आवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दोस्तों ध्यान से देखो, आवर इज द लिखा हुआ है. अब ध्यान से देखो आवर क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है. तो आवर दोस्तों होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव. अगर आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है तो इसको एक चाहिए नाउन. क्या सेंटेंस में नाउन उपलब्ध है? आप क्वेश्चन पर देखो, नहीं, इज उपलब्ध है, इज तो नाउन होता नहीं है, यानी कि आवर का यूज यहां पर गलत है, नहीं होगा. तो फिर आवर को किससे रिप्लेस किया जाएगा? तो आवर को रिप्लेस करना पड़ेगा पॉजिटिव प्रोनाउन से. पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? आवर्स होगा. और जैसे ही आप लिखोगे आवर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आपका सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट. तो दोस्तों पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में एक बड़ा अंतर होता है कि जब भी आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करना होता है तो आपको चाहिए नाउन, बिकॉज विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव. एज फार एज मैटर कम्स अबाउट पॉजिटिव प्रोनाउन, जब बात पॉजिटिव प्रोनाउन की आती है तो आप इतना ध्यान रखना कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बगल में, यानी उसके आगे नाउन आने के कहीं से कोई चांस नहीं, कोई संभावना नहीं है. तो इस प्रकार से पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच की प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि कॉमन एरर बनाने के जो ये तरीका मैंने अपनाया बिल्कुल आपको अच्छा लगता है. इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है तो आसानी से बनाई. तो हाँ, मैं भूल गया, इसका एरर कहां पर होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका एरर हो जाएगा ए पार्ट में. जो ए में गलती, ए पार्ट में गलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर. समझ गए? तो मुझे पूरा विश्वास है समझ रहे. तो आज के बस इतना ही. आते जी विकास कुमार पिछा, फिर मिलते अगले क्लास में कुछ नए टेक्निक्स, कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ. तब के लिए बाय बाय.